पहला सत्संग है वो वीरेंद्र काजी अंकल करेंगे, तो वीरेंद्र काजी अंकल को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के ग्रेस अनुकंपा से मैं आप सबसे कनेक्ट हो रहा हूं और सत्संग कर रहा हूं। मेरी मेरी थैंक्स टू बड़े मंदिर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। कुछ संगत ने मेरे सत्संग जरूर सुने होंगे, ज्यादातर यूट्यूब पर न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में रिकॉर्डेड किए थे। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे लिखा गुरुजी सत्संग बाय वीरेंद्र काजी अंकल, तो सत्संग तो मैं करता ही रहता हूं, मगर कुछ समय से मेरा एक ही फोकस है गुरुजी के बारे में। मेरा एक ही फोकस है कुछ समय से, वो है सरेंडर एंड डायरेक्ट कनेक्शन टू गुरुजी। गुरुजी को सरेंडर करना और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना, हमें और कोई चारा नहीं है। इसी से हमारी जीवन यात्रा पार हो सकती है। मेरे प्यारे संगत, इस सत्संग में पहले मैं आपका एक फोकस किसकी तरफ है, गुरु जी के चरणों की तरफ करना चाहता हूं। पहले गुरु जी की चरणों के दर्शन करें हम। गुरु जी के चरणों के प्रकाश से हमारा हृदय रूपी कमल खिल जाएगा। गुरु जी के चरणों कमल है, उनसे उनके प्रकाश से हमारा हृदय रूपी कमल जो है वो खिल जाएगा। और फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, यही कमल निरंकार परम शिव की पूजा में अर्पण के काबिल हो जाएगा। जय गुरु जी। शिव पुराण में समझाया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म आके बढ़ जाता है, तब तक भगवान शिव आते हैं महापुरुष बनकर इस संसार का कल्याण करने के लिए। इसी तरह से हमारे गुरु जी प्रकट हुए, आए, पैदा हुए हम सब भक्तों का कल्याण करने के लिए। अगर आपने भगवत गीता में भी सबसे बड़ा फेमस श्लोक जो सेकंड अध्याय का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म का नाश होता है, भगवान कृष्ण भी कहते कि मैं मनुष्य का रूप धारण करता हूं, मैं कश्मीर को बिलोंग करता हूं, हमारी थोड़ी ज्यादा भाषा उर्दू है, मैं इसी भाषा का, इसी श्लोक का आपको उर्दू का अनुवाद भी सुनाता हूं। याद रखिए, यदा यदा ही धर्मस्य, कहते हैं कि तनजुल, तनजुल पर जिस वक्त आता है धर्म, तनजुल का मतलब है डिक्लाइन, पस्त होना, डिक्लाइन होना, नीचे गिरना। कहते हैं तनजुल का जिस वक्त आता है धर्म, तनजुल का जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। अरे ये अंधेरा जब देख पाता हूं मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूं मैं। जय गुरु जी। हम कितने लकी हैं, वी आर वेरी लकी टू बी अंडर द ग्रेस ऑफ सदगुरु। ये गुरु जी महाराज हमें एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं, किसी भी प्री कंडीशन के बगैर, किसी भी हमारे में ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे हम हैं वैसे हमको एक्सेप्ट करता है गुरुजी। ऐसे एक्सेप्ट हमको करता है, हैरानी की बात है, गुरुजी फ्रेंड बन के हमारे लेवल पर आके हमें एक्सेप्ट करता है और हमारा उद्धार करता है, हमें बहुत कंफर्टेबल बनाता है। इसके लिए सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए, बिल्कुल गुरुजी सिंपल सरल रास्ता बताता है, सिंपल भक्ति, प्योर लाइफ जियो, कोई ज्यादा टोटके नहीं करने, ज्यादा उनके पीछे नहीं जाना, एस्ट्रोलॉजर के पीछे, उसके पीछे, सिंपल लाइफ जियो, हैव प्योर भक्ति फेथ, और सिंपल टीचिंग्स गुरुजी देते हैं हमको। मगर जैसे हमारी इंटरेक्शन होती है, हमें याद रहना चाहिए कि जब हम गुरुजी की अनुग्रह मांगते हैं, जो गुरुजी की अनुकंपा मांगते हैं, गुरुजी का ग्रेस मांगते हैं, हमें अपने कर्म भूल लेनी चाहिए, हमें कर्मों की यात्रा कंप्लीट करनी चाहे, हमें अपने कर्मों की यात्रा कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। गुरुजी क्या कर सकते हैं, गुरुजी हमें अपनी जर्नी तो हमें कंप्लीट करनी है कर्मों की, गुरुजी हमें एक अम्ब्रेला दे सकते हैं, अगर बरसात में हम भीगेंगे गुरुजी हमें अम्ब्रेला देंगे, सो दैट 90% कष्ट
वो हरण करेंगे गुरुजी, गुरुजी काटेंगे, मगर 10% तो भी हमें काटना है। इसलिए मतलब है कि हमें कर्मों की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि कंप्लीट फेथ, जो इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, पूर्ण विश्वास गुरु जी के ऊपर होना चाहिए, ये भी बहुत तीसरा। और तीसरा कंडीशन क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु जी, इन बिटवीन कोई नहीं है, बस गुरु जी और आप है और कुछ किसी बीच में कोई नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है गुरु जी के साथ। एक्चुअली क्या है, गुरु जी हमारे भक्तों के, डिवोटीज के छोटे या बड़े डिजायर फुलफिल करते हैं। गुरु जी छोटे बड़े डिजायर फुलफिल करते हैं, इससे क्या होती है, गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, हमें गुरु जी की हमेशा प्रेजेंस फील होती है। आजकल क्या, हम हर दिन हमेशा कोई रोज नया नया मिरेकल गुरु जी का सिद्धों को मिलता है। कुछ दिन पहले एक छतरपुर के बिजनेसमैन ने कहा कि बहुत जिंदगी में हर मार खाने के बाद कोर्ट केसेस, यहां काम सब काम बिगड़ता था, जब वो गुरु जी के पास जाने लगे, जब गुरु जी का पता चला, गुरु के पास जाने लगे, पूरा यूटर्न हुआ बिजनेस में, हर एक मुश्किल काम आसान हो गया, हर एक जो नेगेटिविटी थी वो बिल्कुल पॉजिटिविटी में ये चेंज हो गई। इसी तरह बहुत बीमार लोग टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर हो जाते हैं गुरु जी के ग्रेस से, टेस्ट खराब है, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया, गुरु जी के शरण हो गए, टेस्ट किया वापस, बिल्कुल बीमारी गायब। बल्कि हमारी एक बहू की सहेली ने कहा कि वो कोरोना से पहले की बात है, वो गुरु जी के मंदिर जा रही थी, छतरपुर मेट्रो से निकली तो ऑटो वाले कोई लेने को तैयार नहीं था मंदिर। एक ने कहा नहीं मैं लेके जाऊंगा, खाली आपको बाहर रास्ते पर छोड़ूंगा, मंदिर आपको खुद चलना है। उसने चलो ठीक है, तो कहते वो ऑटो ड्राइवर उसको बराबर गुरु जी के मंदिर तक लेके गया। अब वो उठी उतरी तो बोला वो जो आपके साथ था वो कहां गए, कोई सज्जन पुरुष सिद्ध पुरुष आपके साथ वो कहां गए, बोले कौन से पुरुष, बोले जो आपने लॉकेट पहने ना यही तो थे आपके साथ, उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ले जाओ, वो कहां गए। तो ये रोज मिरेकल होते हैं गुरु जी के। बल्कि मुझे लास्ट ईयर की बात याद है, मेरा सत्संग चल रहा था समरसेट वहां न्यू जर्सी में अमेरिका में, एक यंग लड़की ने मुझे मेरे क्वेश्चन प्रश्न पूछा कि देखिए मेरा सर एक मिरेकल हो रहा है। मैंने कहा क्या मिरेकल हो रहा है आपके साथ, बोला कि जब मैं यहां आती हूँ समरसेट में मेरा एक ही कंसर्न रहता है कि अरे गुरु जी मुझे कार की पार्किंग मिलनी चाहिए, मेरा मेन कंसर्न यही है कि मुझे कार की पार्किंग मिलनी चाहिए, तो हमेशा मुझे कार की पार्किंग मिलती है, ये बड़ा कमाल है, ग्रेट गुरु जी का चमत्कार है। मैंने उसको भी कहा कि बिटिया गुरु जी छोटे डिजायर भी पूरी करते हैं और बड़े डिजायर भी पूरी करते हैं, मगर इसका मेन पर्पस क्या है कि हम अपनी लाइफ जर्नी में क्या चाहिए, हमें अपनी हम अच्छे इंसान बने, हम इवॉल्व करें लोअर ह्यूमन बींग्स से हायर ह्यूमन बींग्स, और गुरुजी इसीलिए हमारी लाइफ की जर्नी बड़ी स्मूथ बनाते हैं। बल्कि मैं चाहता इतना ही हमें मांगना चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी हमें अच्छा इंसान बनाओ, हमें एलिवेट करो, हमें हम रियली अपना डिवाइन स्वरूप अपना हमारा निकल जाए, हम बहुत शुद्ध बने, अच्छे बने। और दूसरा चीज क्या मैक्सिम मांगना चाहिए कि गुरुजी हमारी जो जीवन यात्रा है कष्ट के बगैर हो, स्मूथ होनी चाहिए, गुरुजी आपके ऊपर सब छोड़ दिया है, ये हमारी नया पार लगा दो, जीवन स्मूथ चलना चाहिए, इतना ही मांगना चाहिए। कहते हैं कि जब समय राइट होता है, समय ठीक होता है, अपना अपने समय पर क्या भगवान अनुग्रह बरसाते हैं सिद्ध पुरुषों के माध्यम से, यही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई जलंधर में। हमारा ट्रांसफर 1989 में जलंधर में हुआ, मैं वहां स्टील अथॉरिटी में रीजनल मैनेजर का पोस्ट था, मैं वहां ज्वाइन किया मैंने। तो क्या हुआ, मीनापुर हो गया था, लोग पूछते कि आपके पहले गुरुजी के कहां दर्शन किए, कैसे दर्शन किए, 1989 की बात है, हार्डली एक ही महीना हुआ होगा। मेरे ऑफिस के टेबल पर डाक में एक लिफाफा था, एक ग्रीटिंग कार्ड, तो लिखा था ब्लेसिंग गुरुजी 300 डिफेंस कॉलोनी। जब मैंने लिफाफा खोला, एक साइड में था गुरु नानक देव का पिक्चर, दूसरे साइड में था
शिवजी महाराज की पिक्चर। तो मैंने कहा गुरुजी कौन है डिफेंस कॉलेज जलंधर। तो वीकेंड में क्या किया मैंने, वीकेंड में हम गुरुजी के चले गए, गुरुजी के आश्रम चले गए। वो बिल्कुल हार्डली 1 किलोमीटर से कम था हमारे घर से, हम रहते थे ग्रीन पार्क में, गुरुजी का आश्रम था डिफेंस कॉलोनी में। तो जब गुरुजी के आश्रम चले गए, गुरुजी के दर्शन किए वीकेंड में, तो फैसिनेट हो गए, गुरुजी से जुड़ गए। तो हमारा क्या था पहला इंप्रेशन गुरुजी का, पहला इंप्रेशन क्या था गुरुजी का, हमने गुरुजी को देखा ए मिस्टिक ऑफ हाई ऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं बड़ा दरवेश, इसको बुलेशा बोलता है कि जित पाया बेद कलंदर दा, राख खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुखमंदर दा। ऐसा कलंदर, ऐसा महापुरुष हमने गुरुजी को पाया। एक बहुत बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, हरे के लिए प्यार, हरे के लिए केयरिंग, बड़ा ह्यूमन वैल्यूज गुरुजी के हमने देखा था। देखिए जैसे सब जानते पुरानी संगत, मतलब चार आदमी लंगर प्रसाद करते थे थाली में, दैट कम्युनिटी सेंटर, जोड़ते थे सब लोग को, जोड़ते थे छोटा बड़ा कोई भी, एनी बडी वॉज वेलकम विद गुरुजी। बल्कि एक बार हमें याद है गुरुजी क्या मतलब, गुरुजी के साथ चले गए हम एक बार, हम गुरुजी के साथ चले गए लुधियाना से, जलंधर से लुधियाना जा रहे थे, बीच में फगवाड़ा आता था, दोपहर का ही टाइम था, उसे कहा ऐसे गाड़ी मोड़ो फगवाड़े के बाद गली के अंदर, गाड़ी मोड़ी हमने गली के अंदर, गुरुजी निकल गए बाहर, गुरुजी बाहर निकल के हम बैठे इंतजार कर रहे गुरुजी का, तो गुरुजी आए नहीं, आधा घंटा करीब हो गया। तो गुरुजी आते हैं वापस, और एक बहुत बड़े बुजुर्ग गरीब कपल थे वो उनके साथ सी ऑफ करने आते हैं। तो आए गुरुजी, ने कहा कि हमें बड़ी इच्छा थी कि हम गुरुजी के दर्शन करें, मगर हम जा नहीं सकते थे गुरुजी के मंदिर में, इतना हमारे कैपेबिलिटी कैसे करेंगे। तो गुरुजी आए उनसे मिलने, इतना ग्रेट गुरुजी का ह्यूमन वैल्यू था। बल्कि मैं कहता हूं कि हमें सौभाग्य मिला अपना गुरुजी के जालंधर मंदिर की लीला का आनंद प्राप्त करने को। जैसे पुरानी संगत को पता है मंडे टू थर्सडे गुरुजी कुछ सॉलिड आहार नहीं खाते थे, दूध वगैरह ऐसा आहार नहीं खाते, सॉलिड आहार नहीं खाते थे, खाली सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे गुरुजी कहीं न कहीं जाते थे। तो हम हमेशा गुरुजी के साथ होते थे इनवेरेबली, कभी जलंधर में कहीं, या फगवाड़ा गुराया लुधियाना, कभी चंडीगढ़, ऐसा गुरुजी का होता था। संडे गुरुजी हमेशा अपने आश्रम में ही रहते थे, तो बड़ी हमें क्यूरियोसिटी होती थी। गुरुजी जल प्रसाद देते थे, वो छोटे छोटे स्टील ग्लास में थाली में आते थे, फिर गुरुजी में अपनी माला से में डिवाइन फ्रेगनेंस क्रिएट करते थे, फिर बोलते उठो तुम उसको, कब हमें हमारी बारी आएगी ये जल प्रसाद की। बड़ा आनंद उसमें भी बड़ा आनंद आता था। और गुरुजी का क्या था, गुरुजी का हमने बहुत बार देखा, गुरुजी डिवाइन प्रसाद क्रिएट करते थे। जैसे बहुत बार हमारे घर आए, कहीं भी गुरुजी आते, मैंने देखा गुरुजी बैठे हैं बात करते हैं, सडनली फ्रेगनेंस अपीयर हो जाती थी, कुछ चमत्कार होने वाला था। गुरुजी पे रहते हाथ अगेंस्ट फेस ऐसे करते गर्दन, और हाथ में बताशा बर्फी कुछ से कुछ डिवाइन प्रसाद निकलता था, फिर वो सब संगत में बांटते थे गुरुजी। एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे एक वहां मित्र थे प्रमोद अग्रवाल जी बीडी स्टील, उन्होंने कहा कि यार हमें बड़ी खुशी होगी यार गुरुजी को हमारे घर अगर चरण डालेंगे हमारे घर में, हमें बड़ी खुशी होगी। वो भी डिफेंस कॉलोनी में ही रहते थे। मैंने कहा गुरुजी वो बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोला चलेंगे। हमने डिसाइड कर दिया, एक इवनिंग गए उनके घर, हम एक दो दो गाड़ियां थी। जब हम वहां उनको प्रमोद अग्रवाल जी के घर गए तो बैठे, हमारे साथ भी थी एक ओलिंडा आंटी अनीता वर्मा जी, वो भी थी हमारे साथ, ऐसे संगत थी। तो गुरुजी ने उस टाइम फ्रेगनेंस तो आई, मगर गुरुजी ने कुछ प्रसाद नहीं निकाला, गुरुजी ने गर्दन के पीछे हाथ रखा, तो ऐसे बड़ा मिरेकल देखा। 6 गज लंबी सिल्क साड़ी ब्लू रंग की थी गुरुजी ने, वो साड़ी पैदा हो गई और कहा ले आंटी अनीता जी को दे दी गुरुजी ने। अब उसने अभी भी रखी है, उस पर संभाल के रखी है वो गुरुजी का ये।
सारी, ये बहुत जबरदस्त मिरेकल हमने गुरु जी का देखा। गुरु जी का एक बार हम लुधियाना गए, मेरे मित्र के घर में गुरु जी का सत्संग रखा था, तो वहां से कहा यार बेचारा बड़ा मुश्किल से आया, उसको बेचारा हार्ट पेशेंट है, उसको कल्याण करो। बड़ा उसे कहा सब मैं अपने घर से यहां तक बड़ी मुश्किल से आया हूं चल के, गुरु जी मेरी कृपा करे। मैंने कहा गुरु जी इनकी जरा कृपा करो, ये हार्ट पेशेंट है। गुरु जी ने कहा चलो बोला आ जाओ जलंधर, आ जाओ उनको कल आ जाओ जलंधर हमारे पास। मैंने कहा गुरु जी मुश्किल से वो दस गज चल के आए, पता नहीं गुरु जी ने क्या मिरेकल किया, बिल्कुल वो बहुत फर्क हो गया, ठीक हो गया। फिर वो नेक्स्ट डे लुधियाना चला गया। अपने हाथ से बड़े बड़े मिरेकल गुरु जी के देखे। अब गुरु जी की अपनी लीला थी, गुरु जी का बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था गुरु जी का, सबको कंफर्ट करते थे, हंसाते थे गुरु जी। एक बार नॉर्मल हम क्या करते थे, हम संडे को प्रसाद या मंदिर में लेते थे, कभी कभी हम अपने घर से ही लंच करके जाते थे मंदिर में जाते थे संडे को। एक बार हम ऐसे ही लंच करके गए मंदिर गए, तो हमारी आंटी है हेमा, आंटी हेमा नाम उसका, कहा गुरु जी का आप ठेठ पंजाबी में बात करते थे गुरु जी, बोला प्रसाद चखो। बोला हेमा ने कहा कि गुरु जी अभी लंच करके आए, खाना खा के आए हैं, बिल्कुल भूख नहीं। बोला ले लो प्रसाद चखो। बोला गुरु जी भूख नहीं है। बोला भूख नहीं है, अरे तुम कश्मीरी लोग हो, तुम चावल खाते हो तो चावल खाते हो चुगली करते हैं, ले प्रसाद। कहा हेमा ने कहा गुरु जी भूख नहीं है। गुरु जी ने क्या किया, थोड़ा जल चम्मच से यार जल प्रसाद दिया हेमा को, थोड़ा जल प्रसाद लिया। 5 मिनट में कहा कह रहे मुझे भूख लगी गुरु जी मुझे प्रसाद दे दो, बड़ा मिरेकल हुआ। विद इन 5 मिनट्स अगेन हंगरी होगी, भूख लगी हेमा को। जैसे गुरु जी कितने दयालु देखे मैंने, सरल दयालु हसमुख, सबको इजी करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं ऑफिस में बैठा हूं, करीब एक आदमी ने कहा कि भाई आपको गुरु जी याद करते हैं। दोपहर का टाइम 11 बजे करीब थे, जलंधर में डिस्टेंस बहुत कम थी। मैंने कहा चलो मैं करीब गया गुरु जी के आश्रम में गया। बोला आओ कभी अंकल, तू कहता ना यहां खाली अमीर लोग आते हैं, और उसको बोला कर दो अपनी बात। एक्चुअली जो वहां हॉल के साथ 2 कमरे थे, गुरु जी का बेडरूम था, दूसरे कमरे को बोलते थे ऑपरेशन थिएटर। वहां गुरु जी के पास आते थे दुखी बीमार लोग, वो ऐसे गुरु जी बोले पान का पत्ता लगाओ, बेसिकली गुरु जी की वो लीला सब होती थी। उनका गुरु जी उनका ठीक करते थे, कल्याण करते थे। उसने कहा बताओ तू। उसने कहा साहब मैं चंडीगढ़ से आया हूं, मैं सब्जी वाले का बेटा हूं, सब मेरा बाप सब्जी बेचता है, मैं ड्राइवर हूं। मेरी हार्ट ब्लॉकेड हुई थी, मेरा हार्ट ब्लॉक हुआ था, बल्कि पीजीआई चंडीगढ़ ने भी रिजेक्ट किया कि तेरा बड़ा ऑपरेशन होगा, ये तू कैसे ठीक हो जाएगा, तेरे कोई चांस नहीं है ठीक होने से। बुरा गुरु जी ने, मैं गुरु जी के पास आया, गुरु जी ने मुझे नया जीवन दिया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। गुरु जी का ही मेरा जीवन, गुरु जी की देन है। अब वो आया था बेसिकली वही 6 महीने के बाद मैं आता हूं यहां, वही पान के पत्ते लेकर। फिर गुरु जी का था ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। गुरु जी ने कहा अब ये कहता है मेरी शादी कर लो। मैंने कहा था ये गुरु जी ने शादी नहीं की, तू कैसे शादी करेगा। ऐसे हंसाते थे गुरु जी, हंसाते थे। तो हमने क्या देखा, एक्चुअली गुरु जी का बिल्कुल सरल रूप देखा, मगर गुरु जी का महाशिव बहुत बड़े गुरु जी की हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखी हमने। आप इमेजिन कर सकती हो गुरु जी की हाई कॉन्शियसनेस क्या है। आप ध्यान कीजिए गुरु जी कहते थे, जब किसी को आप अनुग्रह करते थे गुरु जी, या कहते थे कल्याण कीटा या ऐश करो, ये एक गुरु जी का ही शिव रूप है। जरा ध्यान दीजिए, अगर शिव पुराण किसने पढ़ा है, शिव पुराण में कहते हैं कि भगवान शंकर पंचकृत 5 क्रिया करता हमेशा। क्या करता है भगवान शंकर, 5 क्रिया करता है। और किस किस को 4 दिया है, कहते हैं भगवान शंकर जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा क्रिएशन जो डिपार्टमेंट दिया है ब्रह्मा को दिया है भगवान शंकर ने। पैदा करना ब्रह्मा का काम है, और पालनहार वो विष्णु का काम है, पालनहार विष्णु का काम है, और जो संहार बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं विड्रॉवल डिसअपीयरेंस, वो रुद्र का काम है। और उसके बाद और तो कृत करता है गुरुजी, क्या करता है संसार में हम कैसे उलझते हैं, ये मेरा ये तेरा वो, इसको बोलते हैं तिरोदान। कहते जो ईश्वरी शक्तियां छुप जाती है तो हम संसारी शक्तियां प्रोड्यूस होती है, ये करना मुझे, वो करना मुझे, ये करूंगा। कहते ये गुरुजी ने महेश को ड्यूटी दी है इस लोगों को संसार के काबू में उलझने की, तो बोलते हैं तिरोदान क्रिया। जब शिव का शक्ति छुप जाती है तो हम
संसारी कामों में लगते हैं कि ये शक्ति शंकर भगवान ने महेश को दी है, मगर कहते हैं एक शक्ति जो एक पावर है वो भगवान शंकर ने अपने पास ही रखी है, किसी को नहीं है। वो क्या है? वो है अनुग्रह करना है, वो कल्याण करना है। वो शक्ति सिर्फ शिव के ही पास है। इसी सब देखिए कि गुरु जी बोलते हैं कल्याण कीता या जो ऐश करो, ये कितनी बहुत बड़ा गुरु जी का एक शिव का स्वरूप है। जय गुरु जी। गुरु जी 1993 में हम गुरु जी को दिल्ली लेके आए, वो भी अद्भुत लीला थी। गुरु जी के साथ हमारा दिल्ली का ट्रिप हुआ, बल्कि हमारे मित्र थे लुधियाना के अश्विनी प्रभाकर, उनका ड्राइवर था शगन, उनकी टोयोटा गाड़ी में हम आए दिल्ली। तो हम गुरु जी का अरेंजमेंट किया था, हमने नंबर 4 सैनिक फॉर्म, वो ज्ञान विजय चर्च की कोठी, वहां ठहरे थे गुरु जी। हम रहे, जगह जगह घूमे, तो बहुत मजा आया, सबको मिले गुरु जी, सबका कल्याण किया बहुत। बल्कि हम उस टाइम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था विठल गाड़गिल, उनके उन्होंने भी रिसीव किया। बल्कि गाड़गिल साहब ने, उनके पिताजी थे नरहरि गाड़गिल, एन गाड़गिल, वो पंजाब के गवर्नर रह चुके थे, उन्हें जपजी साहब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, वो भी प्रेजेंट किया था गुरु जी को। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अच्छा बड़े तो बहुत खुश हुए गुरु जी के मिरेकल भी देखे। तो एक अजीब बात है, गुरु जी क्या है, मोजी थे गुरु जी। गुरु जी ने कहा मुझे, मुझे चंद्र साहब से मिला। उस टाइम बीबी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, उनका गुरु था चंद्र स्वामी, तो बहुत वीवीआईपी था, जबरदस्त थे उसका ठाट बाट, उसकी जो गाड़ी दरक जाती थी पीएम हाउस में। मेरा लिंक था चंद्र स्वामी से, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा तंत्र के बारे में टीचिंग करता था, एक मिलते थे प्लेटफॉर्म में, थोड़ा सम्मान भी करता था हमको। तो मैंने कहा गुरु जी आप इतने सिद्ध पुरुष हो, महापुरुष हो, एक संसारी पुरुष से क्यों मिलेंगे आप? गुरु जी बोले जैसे मैंने कहा करो। कमाल है, बोला गुरु जी, कहा कि गुरु जी की शब्द हरकत करो थे बरकत, पता नहीं पंजाबी में कहा कि तुम जाओ मिलो, गुरु जी का आदेश था। मैंने कहा चलो, तो मैं उनके पास गया चंद्र स्वामी जी के, मैंने कहा एक हमारे सिद्ध पुरुष आए हैं जलंधर से हमारे साथ, मैं चाहता हूँ आप इनका मिलिए आप उनसे यहाँ। तो चंद्र स्वामी जी का अपना स्टाइल था कि आप कहते हैं वीरेंद्र कारी जी महापुरुष है तो उनका बहुत स्वागत है, उनका कभी भी लेके आइए स्वागत है। तो हमने फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज की उनके आश्रम में, तो अच्छा उनके बड़ा नाश्ता आवाज था, वो अच्छी तरह स्वागत किया हमने। तो हम गुरु जी और हम चले गए वहां, और क्या हुआ कि हार्डली 10 मिनट बैठे गुरु जी, बड़ा भी लग रहा था मिठाई या वो ये, तो गुरु जी बोला उठ उठ चलो उठो, कमाल है जी। उठ गए हम, मैं निकल गया। मैंने कहा गुरु जी आपने 2-3 बार बोला मुझे मिलना है, आप इतनी जल्दी उठ गए, बोला तेरे को पता नहीं क्या इसका डाउनफॉल लिखा हुआ, चेहरे पर डाउनफॉल लिखा हुआ है। मैं क्या बोलता, मेरे का कमाल है गुरु जी का, ऐसा बताया गुरु जी ने। तो विद इन 1 मंथ क्या हुआ, एक अजीब चीज हो गई वहां। उस टाइम राजेश पायलट थे मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स, उन्होंने इस पर ऊपर केस किया, एंड इतने बड़े स्वामी जी वॉज बिहाइंड द बार, 1 महीने में वो जेल में चले गए। अजीब चीज देखा मेरे स्वामी जी का, गुरु जी का क्या हाल हुआ। बल्कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मेरे से थ्रू शर्म आई उनको, डायरेक्ट मिल गए वो गुरु जी से, डायरेक्ट गए कि भाई गुरु जी कुछ कृपा करो आप जल्दी, शायद 1.5 महीने में छुट गए थे जेल से भी छुट गए थे। तो ये मैंने देखा गुरु जी का जबरदस्त मिरेकल देखा मैंने। तो फिर सबको पता है गुरु जी फिर 95 में एस ब्लॉक GK1 में आए, शॉर्ट टाइम के थे बेसमेंट में, वहां भी जबरदस्त लीला थी गुरु जी की, गुरु जी ने बहुत लोगों को कल्याण किया। फिर बाद में जब वापस चले गए चंडीगढ़ वगैरह पंचकुला, फिर आए छोटे मंदिर एम्पायर एस्टेट, तो रेगुलर हम जाते थे, गुरु जी के मिरेकल्स देखते थे, बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, सब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था गुरु जी की। और मैंने देखा गुरु जी क्या थे, गुरु जी तो अलग ही दुनिया थी इनकी। गुरु जी तो कल्याण करते थे, गुरु जी जब आप रिक्वेस्ट करो गुरु जी सबका अंदर का हाल जानते थे, गुरु जी कल्याण करते थे। मैं चाहता हूं जो गुरु जी को नहीं मानते थे उनका भी गुरु जी कल्याण करता था, ये कितनी गुरु जी की अत्यंत महानता थी या ईश्वरी रूप था गुरु जी का। कहते एक यंग कपल जाते थे गुरु जी के पास, जाते थे रेगुलर रंगन प्रसाद करते थे निकलते थे। एक बार उनके साथ उनका पिताजी आया,
वो पिताजी बड़ा रिलेक्टेंट था, उसको कोई मर्जी नहीं थी गुरुजी के पास जाने की। बैठा वो भी दूर बैठे, वो आया लंच वंच किया उन्होंने, फिर इस यंग कपल ने गुरुजी को आज्ञा ली, माथा टेका, निकलने लगे। और जो इनका पिताजी दूर से क्या नमस्ते, बोला आ जाओ इधर अंकल आ जाओ। गुरुजी ने कहा बस क्या हाल है? बोला क्या हाल है गुरुजी, ऐसा है अपना बुढ़ापा जी रहा हूं, चल नहीं सकता, तकलीफ है घुटनों में, तकलीफ है क्या ऐसे बुढ़ापा गुजार रहा हूं। गुरुजी का बैठे इधर। गुरुजी ने क्या किया, उसके घुटने पर हाथ और अपने घुटने पर हाथ, अपने घुटने उसके अपने घुटने पर। अरे मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया, मैं तो घुटना ठीक हो गया। अरे गुरुजी आप महान हो, ये हो वो, तारीफ होने लगा गुरुजी के, बड़ा बाबा धन्य हो, प्रणाम किया और निकल गया। जब वो निकल गया तो गुरुजी ने कहा अब उठो मेरी मालिश करो, मेरे घुटने में दर्द है। मतलब ये दूसरे का दुख लेते थे गुरुजी, मतलब एक्सट्रीमली काइंड पर्सन, ए ग्रेट सेंट, शिवरूप थे और संसार में रहकर एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमली काइंड एंड एक्सट्रीमली केयरिंग पर्सन थे गुरुजी। एक्चुअली जब हम गुरुजी के आश्रम जाते थे, मेरा पहला एक्सपोजर हुआ था शब्द के साथ। मैं थोड़ी पंजाबी नहीं आती थी, हमारी आंटी को तो आती थी, वो लुधियाना में रह चुकी थी, हमें तो पंजाबी नहीं समझ आती थी। पहला जो हमारा एक्सपोजर हुआ वो भाई जवाहरलाल के टेप सीडी चलते थे, टेप चलते थे वहां आश्रम में। बड़ी बड़ी लर्निंग लेसन था, मुझे बड़ा अट्रैक्शन सत्संग, मुझे अच्छे लगे, बहुत ही बड़ा इसमें सत्संग की तरफ ये लगा। और जब हम सत्संग करते हैं, गुरु जी की शब्द चलाते हैं, एक बहुत बड़ी, मैं कहना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी लर्निंग जर्नी है इस गुरु जी का शब्द जो सुनते हैं, शब्द वाणी एक बहुत बड़ी लर्निंग जर्नी है। अभी कुछ दिन पहले चल रहा था शब्द, ये कहता है कि एक मथुरा का एक राजा था, वक्त राजा था, मथुरा का राजा वक्त राजा था। ये इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें हमारे जीने की क्या इसका ये है, फुल फेथ कितनी इंपॉर्टेंट है, टोटल अनकचेबल, टोटल फेथ ही गुरुजी बोलते हमें गुरुजी के प्रति होनी चाहिए, फुल फेथ। कहते हैं वक्त राजा था, कहते हैं राजा बहुत दयालु था, सब प्रजा भी उससे खुश थी, सब खुश थे। अब राजा हो गया, वृद्ध हो गया, उसकी एज हो गई, तो राजा ने अपने कुछ विद्वानों के साथ बैठे थे, राजा ने कहा कि अब टाइम आया है मुझे कोई अब गुरु धारण करना चाहिए, मुझे गुरु धारण करना चाहिए, आप बताइए कौन सा गुरु मैं धारण करूं। जो वहां विद्वानों की सभा थी, विद्वानों ने कहा ए राजा आजकल एक ही बड़ा गुरु है, वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है वो, उसका नाम है संत रविदास, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। राजा ने कहा मुझे भी ऐसे ही लगता है, जैसे आप बोल रहे हैं, तो बड़ा मैं उनके पास जाऊंगा। जब राजा आए अपने महल में तो मंत्रियों ने बोला अरे राजा वो तो जूते ठीक करता है, सिलाता है, जूते साफ ये करता है, आप उसको गुरु मानोगे? उसने कहा सिद्ध पुरुष में कोई भाव नहीं होता, कोई भी सिद्ध पुरुष हो सकता है, मुझे वही, मुझे लगता है अंदर मेरी आवाज है कि वही मेरा गुरु बन सकता है। बोला चलो ठीक है राजा तेरी इच्छा है, चलो हम कब जाओगे, ताम जाम लेकर चलेंगे हम राजा के साथ, आपके साथ चलेंगे। बोला कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं जाऊंगा अकेले संत रविदास के पास। कैसे राजा गया संत रविदास के पास, गया राजा ने जूता भी बाहर रखा, राजा गया नंगे पांव संत रविदास के पास गया। जब रविदास ने देखा अरे राजा आया है जूते के बगैर, बिल्कुल अकेला मेरे पास, तो रविदास महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले राजा तूने मेरा बहुत दिल खुश कर दिया, वाह 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 राजा तो बहुत बड़ा प्यारा है, चलो मैं तेरा, आज मेरा मूड है तेरा, मैं आपको पूरा कल्याण करूंगा, तुम्हें पूरा कल्याण करूंगा। तो बल्कि वो राजा के गले मिला, और उसने क्या किया, जहां वो टब होता है ना, वो उसमें पानी रहता था, उसमें जूते होते बीच करता था, उसमें उसने पानी में हाथ डाला, बोला राजा ले पी, तू बिल्कुल पूर्ण कल्याण हो जाएगा, राजा पी लो। अब राजा ने क्या किया, बोला संत जी महाराज ने तो दिया है पानी, अब कैसे पिएगा, कैसे उसको भी कर, उसने क्या किया ऐसे शर्ट की खुलाई बटन ऐसे पानी पिया, मतलब पानी गिरा दिया शर्ट के अंदर, दिखा दी ऐसे दिख गया कि पानी पिया है राजा ने। बोला साहब ये पिया पानी तो करके प्रणाम करके
चला गया अपने महल में राजा वापस। जब अपने महल में वापस चला गया तो देखा तो उसकी कमीज पर दाग पड़े थे, तो जो राजा का धोबी था, ये कमीज गए उसके पास धोने के लिए, धोबी तो राजा की कमीज साफ करा था। वो थोड़ा परेशान हो गए, बोले ये राजा की तो हमेशा कपड़े बिल्कुल साफ ही रहते थे, ये दाग क्यों है राजा के कपड़े में? उसका बड़ा कोशिश करा दाग मिटाने के लिए, दाग मिटते नहीं थे। उसकी बेटी तमाशा देख रही थी, बोला पिताजी आप परेशान क्यों हैं? बोला नहीं बेटी, ये राजा की कमीज हमेशा साफ होती थी, पता नहीं ये दाग क्यों है यार, मैं कोशिश कराऊ मिटाने के लिए। बोला जरा पिताजी मुझे दे दो ये अपनी राजा की कमीज। बेटी ने उसको दागों को चूमा, चूसा, चूसने से उसको दाग खत्म हो गए, वो तो हो गई कमीज ठीक हो गई। तो जब बेटी ने दागों को चूसा तो बेटी बन गई ब्रह्मज्ञानी, बेटी बन गई ब्रह्मज्ञानी। कहते दूर दूर से लोग आए वो बेटी का दर्शन करने, बेटी बन गई थी ब्रह्मज्ञानी, दूर दूर से लोग आए बेटी का दर्शन करने। तो ये बात फैल गई, ये बात फैल गई। जब ये बात फैल गई तो लोगों में राजा के पास बात पहुंच गई, अरे राजा आपके धोबी की बेटी ब्रह्मज्ञानी बन गई है, कमाल हो गया। तो राजा भी हैरान हो गया, बोला चलो मैं मिलता हूं, चलो मैं उससे अकेले में जाता हूं, मिलता हूं, ये क्या बात है। तो राजा गया बेटी के पास, बोला बेटी तू ब्रह्मज्ञानी बन गई है? बोला राजा मुझे कुछ नहीं पता है। बोला क्या हुआ? बोला नहीं वो आपकी गंदी कमीज थी जिसमें दाग थे, मेरे पिताजी परेशान था, तो मैंने कहा मैं जरा मुझे दे दो कमीज, मैंने मुझे दाग चूसे तो मैं पता नहीं क्या ज्ञान अंदर से मेरे पास उभर गया। तो राजा तो पागल हो गया, बोला अरे तेरे की कितनी मैंने ब्लंडर की, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भाग के चला गया संत रविदास के पास, बोला महाराज मुझे क्षमा कर, मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। बोला राजा ये तो ऊपर वाले रब ने कहा था तेरे को पूरा पूर्ण ज्ञान दूं मैं, मगर तूने लिया नहीं पूर्ण ज्ञान। कोई बात नहीं राजा, तुम भी पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, मैं धीरे धीरे मिल जाएगा, प्रयास करो, प्रेम से रहो तो तेरे को भी पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। तो इसलिए वो राजा को फिर बख्तरा बख्ती राजा बोलते थे, बख्ती लीन हो गया राजा, क्योंकि अपने उसने अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो भी इफन बट घुस गया, क्योंकि ये हमारा कॉमन था कि जब गुरुजी की कोई प्रसाद हम पूरा लेते थे, अगर हाफ लेंगे मतलब हाफ बेनिफिट होगा उसका। कहते हैं कि बड़े मंदिर में अपने जो उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार जी गुरुजी के पास आए थे अपना ताम जाम पीए वीए लेकर, तो उसका ही फेशियल पैरालिसिस था इसका शरद पवार जी को, पता था भाई गुरुजी के पास आए ठीक करने के लिए। गुरुजी ने कहा ले लो चाय प्रसाद। कहते जो थोड़ी सी जब आधी पी शरद पवार ने तो थोड़ी सी काली वाली लग गई नीचे से, उसे क्या अपने पीए को पासान कर दी, पीए को पासान कर दी, पता नहीं थैंक यू होगा क्या किया उसको चाय प्रसाद को। तो चला गया शरद पवार जी, कहते बड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत फर्क पड़ गया उसको। तो बोला ठीक तो हुआ मगर पूरी तरह नहीं ठीक हुआ मैं। कहते फिर चलो गुरु जी के पास और जाएंगे, धन्यवाद करेंगे, बोलेंगे आप गुरु जी पूरा ठीक करो। कैसे पता है एक महीने डेढ़ महीने के बाद गए वहां गुरु जी के पास, तो कहा कि भाई पीए के भाई मंत्री जी का तो आपने बड़ा कल्याण किया मगर पूरा नहीं हुआ कल्याण। गुरु जी का पूरा कल्याण कैसे होगा? उन्होंने आधी चाय पी, आधी चाय फेंक दी उन्होंने। तो ये था लेसन कि नो आधी फेथ, टोटल फेथ, टोटल सरेंडर जब करोगे आप टोटल फेथ रखनी चाहिए। बल्कि गुरुजी की जो गाइडेंस, अलग अलग गाइडेंस है गुरुजी की। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं जी साई बाबा को मानती थी इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी गुरुजी के मंदिर, फिर मैंने एक परसवेर किया किसी का, चलो एक बार तो चलो गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर चलो। कहता जब मैं वहां मंदिर के दर्शन किया मैं गुरुजी में आया, मुझे साई बाबा का रूप दिखने लगा। तो मतलब ये महापुरुषों का खेल है, यानी गुरुजी बस बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म, गुरुजी सबने ईश्वरी स्वरूप थे, गुरुजी वुड रिप्रेजेंट एवरीथिंग। और
ये भी देखा मैंने कि गुरुजी का क्या था, वो कहते ना हमें कभी महापुरुष को कंपेयर नहीं करना चाहिए, अब मुझे इस किस्म में कितना दम है ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार एक बड़ी रिच लेडी चंडीगढ़ से जाती थी गुरुजी के पास, बड़ी नई नई कारें चेंज करते हुए, एक मर्सिडीज दूसरी मर्सिडीज में जाती थी। उनके बुरे दिन आ गए, वो गई बहुत दिन के बाद बस में चली गई चंडीगढ़ से जलंधर। तो गुरुजी को अपना दुखड़ा सुनाया, गुरुजी ने सुना, एक बार सुना, बोला अच्छा अगली बार जब आई, बोला गुरुजी ने पूरी बात सुनी, बोला ऐसा करो तुम तो अभी निकल जाओ, जाओ वापस जाओ तुम, तो कुछ एक बुजुर्ग मिलेगा उसको पानी दे दो। बोला गुरुजी किसको मिलेगा, कहां, बोला रास्ते में मिलेगा तुम्हें, फिक्र मत करो, उसको एक पानी दे दो, एक रोटी दे दो उसको। बताया गुरुजी ने, तो उसको पता नहीं कहां मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सा पानी, किधर, कुछ समझ नहीं। बोला गुरुजी का हुक्म था अभी निकल, अभी भी निकल जाओ। कैसे कि जब बस में वो लेडी चले जा रही थी वापस जलंधर बस स्टैंड से फिर चंडीगढ़ की तरफ, रोपड़ में रेलवे लाइन क्रॉसिंग थी, रेलवे लाइन की उसमें बस हॉल्ट हो गई, बस रुकी थी लाइन, बसों की लंबी लाइन थी। तो वो भी देख रही, इंतजार कर रही थी जब फाटक खुल जाए तो निकल जाएंगे। कैसा एक बुजुर्ग बुड्ढा आ गया उसके पास, बोला पानी दे दो मुझे, उसने उसको पानी दिया और रोटी भी दी। गुरुजी ने कहा था मैं मिलेगा बुजुर्ग उसको दे दो, फिर वो उतर गए नीचे, वो कोई मिरेकल समझ लगा। बोला बाबा मुझे गुरुजी ने कहा एक तो दे दो, तो बोला अच्छा ठीक है कल्याण। बोला बाबा हम बहुत दुखी हैं, हमारा बिजनेस था बिल्कुल चौपट हो गया बिजनेस, बल्कि गुरुजी ने यह भी कहा तू जाओ तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा, तुमको मैं विदेश में बसाऊंगा। तो बाबा ने कहा तुम्हें मुझे पहचाना नहीं, तुमने मुझे नहीं पहचाना, कुछ साल पहले मैं आपको रोटी और मांगने आया था, मुझे प्यास लगी और रोटी दे दो, तूने मुझे धिक्कारा, जलील किया मुझे, तूने गाली गलौज दी मुझे, तो ये गलत काम किया तूने, ये तो शाप मिल गया तुम्हें। तो फिर कैसे उनका वापस, फिर वो आयरलैंड में चले गए, उनका बिजनेस वापस शुरू हो गया, वो डिस्प्यूट खत्म हो गया, फिर अगेन प्रॉस्पर्टी आई, चले गए वेल सेटल्ड। तो गुरुजी ने उसको कहा कि मैं तेरा कल्याण कर सकता था, मगर मुझे उस बुजुर्ग का पूरा रेस्पेक्ट करना था, आई वॉन्टेड टू रेस्पेक्ट दैट बुजुर्ग जिसने तुम्हें कर्ज किया था, उसका भी मैं रेस्पेक्ट करना था, बल्कि ये मैं कि हमें कुछ सीखना चाहिए, बल्कि शब्द से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक और शब्द की भी याद आया मुझे, ये कहते हैं कि एक मंदिर में पंडित जी राम कथा कहते थे, पंडित जी राम कथा कहते थे, कहते कि जो राम नाम जपेगा वो बवसर पार हो जाएगा, राम नाम जो जपेगा वो बवसर पार हो जाएगा। कहते वहां एक ग्वालन चल रही थी, वो मंदिर अंदर नहीं जाती थी, ग्वालन दूर था उसके पास, ऐसे ही प्रणाम करती थी, एक मिनट सुनती थी, पंडित जी को भी सुनती थी, निकल जाती थी। उसे कह रहे पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो राम नाम जपेगा बवसर पार हो जाएगा, अरे मेरी मुसीबत है, मैं उस नदी के पार जो गांव में वहां रहती हूँ, मुझे उस तक दूर जाना, पुल के पास मैं फिर वापस आती हूँ उस गांव में, अरे तो राम नाम जपूंगी मैं तो दरिया पार करूंगी। जैसे उस ग्वालन ने राम नाम जप के वो दरिया पार करती थी, उसका बहुत खुश हो गई, और रोज वहीं जाती थी प्रणाम करती थी, कहा कि गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताया कि मैंने मुसीबत से मुझे बचाया, मुझे इतना चलना पड़ता था। कैसे एक दिन क्या हुआ, उसने गुरु जी को अकेला देखा, तो उसने गुरु जी के पास गई, बोले गुरु जी प्रणाम, आपने मुझे अच्छा मंत्र दिया। बोला क्या मंत्र दिया, आपने कहा जो राम नाम जपेगा बावसागर पार हो जाएगा। बोला तेरा क्या कल्याण हुआ, बोला मैं आप दरिया पार करते राम नाम जपती हूँ तो दरिया पार करती हूँ, बहुत बच गई मैं पुल की तरफ जाने से, इतना बोला बड़ी अच्छी बात है ऐसे पंडित जी ने बोला। बोला नहीं पंडित जी, आप मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ, आप मेरे घर आइए कभी, मैं आपका सम्मान करता चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा आएंगे, जरूर आएंगे, बताओ कब, डेट फिक्स हो गया, मैं आऊंगी आपको लेने। वो ग्वालन आई इसको लेने, बोला चलो आइए पंडित जी, इनके साथ चले दरिया पहुंचे। बोला चलो पंडित जी, बोला बेटी तो पुल तो उतना दूर है, यहाँ क्या है, तो उतना चले चलना पड़ेगा पुल। बोले अरे पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप, जो राम नाम जपेगा तो बहुत सारा तार हो जाएगा। तो फंस गया पंडित जी, बोला चले चले पंडित जी क्रॉस कीजिए। बोला नहीं बेटी, मुझे थोड़ी आपका घर तो नहीं पता, एड्रेस नहीं पता ना, पहले आप चलो। बोला कोई बात नहीं, मैं चलूंगी पहले, चले ऊपर। आ जाओ पंडित जी, हाथ पकड़ा तो पंडित जी गिर गए दरिया में।
तो पंडित जी तो रियलाइज किया, बोले ये चल तार होगी तो मैं गिर गया। बोला पंडित जी ने कहा असली तो तू ही है, तेरे में श्रद्धा है, तेरे में भक्ति है, तूने तो पुल पार किया, हम तो खाली भाषण देते हैं, असली साधक तो तुम हो। तो अब इस सत्संग में एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं मैं। देखिए सब लोग परेशान है, देश में त्राही त्राही मचा है, किसी को कल का भरोसा नहीं है, इसलिए कोरोना की महामारी छाई हुई है। मतलब एक साल पहले, मोर देन वन ईयर बैक, ये प्योर संकेत है गुरु जी का। बहुत पर्सनल सत्संग में नाम नहीं लेना चाहता, सत्संग सुना भी मैंने, ये था संकेत गुरु जी का, बड़ा संकेत था कि गुरु जी का संकेत ये था मैसेज कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, त्राही त्राही होगी, मुसीबत होगी, और मुझे मगर अपने भक्तों की चिंता है। गुरु जी बोलते हैं मुझे अपने भक्तों की चिंता है, मुझे अपने भक्तों की चिंता है, जो मेरा भक्त होगा उनका कल्याण हो जाएगा, वो बच जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, गुरु जी सुप्रीम सेक्रीफाइस, मैंने कहा कि उसने, गुरु जी ने कहा कि शरीर रूप मैंने क्या करके, मैंने जो अपना महा शिव रूप धारण किया, इसमें बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशन, तो ये शिव रूप गुरु जी का ये वर्ल्ड वाइड फैला है, वर्ल्ड वाइड छाया हुआ है, हर जगह दुनिया के हर एक कोने में भक्तों का कल्याण करने के लिए। बाकी ऐसा कोई, जैसे मैं अमेरिका रेगुलर जाता हूं, जगह कोई जगह वहां नहीं है, या दुबई जाता हूं मैं, हर जगह गली कोचे में गुरु जी के सत्संग होते हैं, हर एक को अपनी अपनी डायरेक्ट कनेक्शन है, गुरु जी के मिरेकल बताते हैं, गुरु जी ने कैसे मुसीबत से बचाया, गुरु जी ने उनकी राह दिखाई। तो गुरु जी का ही शिव जी फैलाए हुए हैं। इस पर कहते हैं कि शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, अरे स्वयं ही गट गट वासी है, स्वयं ही गट गट वासी है, अरे जीवन में ही तुम पहचानो, जीवन में ही तुम पहचानो, मर के क्या पहचानोगे, चिंतन से तुम गहन मनन से बात तत्व की जान लो, खुद को खुद से अलग करो, क्या नश्वर है अविनाशी है, शिव फैलाए सूक्ष्म जाल। ये शिव जी का ब्लिस है, तो गुरु जी है जिनका मैं सुपर कॉन्शियसनेस। बल्कि लास्ट में इस सत्संग का मेरा एक और ये है, लास्ट पॉइंट मेरा है कि हमें संगत को हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने भी बार बार कहा कि टोटल सरेंडर, डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी, और कोई चारा नहीं है, एंड डायरेक्ट गुरु जी आपके साथ है, आप गुरु जी से, लेट इट बी अ वन टू वन अफेयर विद गुरु जी, एंड गुरु जी आपको जरूर राइट पाथ पर ले जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि लेट, ये बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपरेशन, नम्रता, हर एक के लिए प्यार और दया भावना, ये हमारा नेचर होना चाहिए। ऐसा हम हम्बल नहीं होना चाहिए, हम ऐसे ही बनने चाहिए। गुरु जी से यही हमारा दुआ मांगनी चाहिए कि गुरु जी हमारा स्वभाव ही ऐसा है, बनाओ सुंदर स्वभाव बनाओ, सो दैट हम यात्रा, डिवाइन यात्रा करने के काबिल बन जाए। और हम ये भी बोलते हैं हर एक से कि अपने ऊपर फेथ रखो, अपने अपने को ही प्यार करो, सो दैट, और अपने अंदर शिव का डिस्कवर करो, सो दैट आप गुरु जी के असली पक्के भक्त बन जाओ। और इसलिए मैं एंड में क्या जरूरी है कि एक मंत्र जाप और मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है आजकल के, ज्यादा जरूरी है। मंत्र जाप करके अपना एका गुरु जी के साथ वन टू वन मंत्र जाप करके, देन आंखें बंद करके मेडिटेशन, यू डू रिकॉग्नाइज रियलाइज गुरु जी पर आप ध्यान दीजिए, आप देखिए मिरेकल्स होने हो जाएंगे और हम सब लोग ब्लिसफुल ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं जय गुरु जी करता हूं।